हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बींग काइंड एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक स्नेक का रेस्क्यू कर रहा हूं और ये है एक कोबरा। आप वीडियो में बने रहिए। और मैं जहां पर रेस्क्यू कर रहा हूं, ये झारखंड का प्राचीनतम एक मंदिर है जो कि कतरास में स्थित है, वो है लिलोरी मंदिर। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। ये झारखंड का बहुत ही प्राचीन, यानी कि आज से 800 साल पहले ये मंदिर का स्थापना यहाँ पर हुआ था, यहाँ के राजा के द्वारा किया गया था। और जब लोगों के बीच में मैं ये सांप को लेकर पहुँचा तो लोग कह रहे थे कि शायद ये ढामन है, लेकिन जैसे मेरे पैर का मूवमेंट देखा तो ऐसे आप देख सकते हैं ये अपना हुड जो कि चेतावनी के लिए खड़ा करता है, और लोग जब नहीं मानते हैं तो ये बाइट कर लेता है। तरह तरह के बातें लोग कर रहे थे। लोग कह रहे थे ये दूध पिएगा शायद, या फिर ये उड़कर काट सकता है, या फिर ये जहर हवा में छोड़ सकता है, आपको बॉडी पे आके टच हो जाएगा तो आपको जहर लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारा मिथ है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सांप कभी भी इंसान का दुश्मन नहीं है। इंसान भले सांप, पेड़ पौधा, प्रकृति, हर किसी का दुश्मन है, इंसान इंसान का भी दुश्मन है। ये जब तक इसका हम इतना इसको छेड़ रहे हैं, इतना अगल बगल इसका ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, ये अपना जान बचाने के लिए बार बार कोशिश प्रयास कर रहा है, ठीक है। जब इसके अगल बगल पैर पड़ जाएगा पूरा, देखिए हम इसका पैर भी रखे तो इसका रेडियस से दूर काटेगा भी तो इतना दूर तक ही आएगा, इतना दूर तक आएगा। तो ये डिफेंस में काटता है, जान बुझ कर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं काटता, ठीक है। लोगों के बीच में जानकारी साझा करने के बाद अब समय आ गया था कि इसे सुरक्षित इस बोरे के अंदर डाल लिया जाए। लेकिन लोगों का सवाल खत्म नहीं हो रहा था। एक मुख्य सवाल बार बार वो लोग पूछ रहे थे कि सांप क्या इच्छाधारी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इच्छाधारी सांप सिर्फ एकता कपूर के सीरियल्स में होते हैं, ओरिजिनली में होते नहीं हैं। जो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 800 साल, 1000 साल पुराना सांप की बात करते हैं वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि सांप का उम्र ही उतना नहीं होता है। एक जो नॉर्मल कोबरा है वो मुश्किल से 20-22 साल तक जिंदा रहेगा, और अजगर जो है 30 से 40 साल, 50 साल, एवरेज देखा जाए तो 33 साल, 34 साल। यानी कि फिल्मों के सिवा या सीरियल के सिवा आप कभी भी सांप को 100 साल जीता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये ट्रेंच कटा हुआ है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, और मेरे साथ आए हुए हैं ये सारा स्टूडेंट लोग। हम लोग जा रहे हैं जंगल में, अभी एक कोबरा जो हम लोग रेस्क्यू किए थे उसको हम लोग रिलीज करेंगे इस फॉरेस्ट एरिया में। इस फॉरेस्ट एरिया में आने के बाद एक दुखद जो दृश्य है हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि इसमें मैक्सिमम जो पेड़ है वो सूख चुके हैं, मैक्सिमम पेड़ जो है वो सूख चुके हैं। आप देखिए कुछ कुछ पेड़ में पत्ती हैं हरे हरे, और ये बरसात का मौसम अभी जस्ट खत्म हुआ है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं और बाकी सब सूख गए हैं। ये कारण है हम जैसे इंसानों का इस जंगल पे आग लगा देना। जंगल पे आग लगाकर लोग पता नहीं क्या मिलता है, कितने जीव जंतु मर जाते हैं, और साथ ही सोचिए ये कितने सारे पेड़ जो है वो हमेशा के लिए डेड कर गए हैं। ये डेड बॉडीज आप देख सकते हैं, डेड बॉडीज की तरह खड़े हैं। तो सोचना चाहिए लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि ऐसे करके आके जंगल में आग ना लगाएं और जंगल में इस तरह से पेड़ों को बचाएं, क्योंकि अगर हम लोग आके इस तरह से सांप को अगर रिलीज करेंगे तो जाएंगे कहाँ फिर। आइए रिलीज करते हैं। ये कोबरा काफी गुस्सा में है, देखिए। ये हमारे सुप्रसिद्ध जो यहाँ का आस्था का केंद्र है, लिलोरी मंदिर, झारखंड का बहुत ही फेमस मंदिर है। आप कभी गूगल में सर्च करके देख लीजिए, लिलोरी मंदिर 800 साल पुराना मंदिर है ये, और उसी मंदिर के परिसर में एक दुकान है, उस दुकान में ये सांप देखने को मिला। ये देखिए आप इसका आवाज सुन सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आग लगा दिया हो, भस भस करके आवाज कर रही है, हिसिंग साउंड। ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, कितना खूबसूरत सा जीव है। चलिए इसको बाहर निकाला जाए। काफी गुस्सा में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रेस्क्यू सुबह हुआ था और अभी हम लोग को दोपहर तक। ओहो, ये आप देख रहे हैं किस तरह से उपकार रहा है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा। ये देखिए, ये है भारतीय नाग। आप देखिए कि कितना खूबसूरत सा जीव है ये, लोग इसको देखते ही मार देते हैं। आखिर इसने किया क्या है? हम लोगों ने इसका प्राकृतिक आवास पे घर बना दिया है। ये हमारे घर पे भोजन की तलाश में, चूहे वगैरह सब की तलाश में दूसरे के जगह पे, दूसरे घर पे घुस जाता है, और हम लोग फिर इसको मार देते हैं। लेकिन मैं ही आप लोग सभी से गुजारिश करूंगा कि इस तरह का सांपों को मारे नहीं, इसको इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दे, क्योंकि सांप
एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाने के लिए एक कड़ी का काम करता है और वो कड़ी का बना रहना जरूरी है। आप देखिए कितना खूबसूरत सा सांप है, इसको देखकर एक गाना याद आ रहा है कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा जब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी होठों की सुर्खियों से जीभ लपलपा कर निकल रही है, लपलपा के निकल रही है। ये प्रकृति का जो सेंट है, हमारे अगल बगल का जो सेंट है, जो टेम्परेचर है और बाकी सारा चीज का जो केमिकल मिक्सचर है, उसको ये भापने का कोशिश करता है। इन्फॉर्मेशन देने के दौरान ये अचानक झाड़ियों में कूद पड़ा और निकल गया। कोबरा को यहाँ पर रिलीज कर दिए और ये पूरा तेजी से भागा इधर। देखिए वो डाली हिल रहा है, वहां तक गया। इस तरह से सेफली रेस्क्यू और रिलीज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।